Hello guys, I'm Raj and you're watching my YouTube channel English Corner with Raj Mehra. आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड मिलते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. मोदी अर्ज पीपल टू एम्ब्रेस ऑर्गन डोनेशन सेज यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन कार्ड्स. ठीक है, तो मोदी ने अर्ज किया. अर्ज मीन्स होता है किसी से विनती करना कुछ करने के लिए. ठीक है, रिक्वेस्ट करना किसी से. तो लोगों से उन्होंने अर्ज किया, विनती की है क्या करने के लिए, टू एम्ब्रेस ऑर्गन डोनेशन. ठीक है, एम्ब्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, अपनाना. तो अंगदान को अपनाने के लिए उन्होंने विनती की है. ठीक है, मतलब कि लोग अपने अंगदान करें. सेज यूनिफॉर्म पॉलिसी, और उन्होंने कहा है कि जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है ऑन कार्ड्स. ऑन कार्ड्स मीन्स होता है लाइकली टू हैपन, मतलब होने वाली. जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है वो होने वाली है, मतलब वो तय है अब. ठीक है, ऑन कार्ड्स मीन्स होता है कोई चीज़ तय होना, कोई चीज़ होना होना होने वाली होना. जैसे कि आपने बोला कि हिज मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, तो मतलब उसकी शादी तय है, मतलब होने वाली है जल्दी. ठीक है, ऑन द कार्ड्स मीन्स होता है कोई भी चीज़ होने वाली होना फ्यूचर में. आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं. न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ऑन संडे रविवार को अपील टू पीपल, लोगों से उन्होंने क्या किया, अपील की है, प्रार्थना की है. ठीक है, अर्ज किया है. टू किस लिए, टू ऑप्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन. ठीक है, ऑप्ट मीन्स होता चुनना. तो जो अंगदान है उसको चुनने के लिए उन्होंने विनती की है, मतलब कि अपने जो ऑर्गन है उसको डोनेट करें. ठीक है, एंड सैड, और उन्होंने कहा हिज गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, जो उनकी सरकार है इज़ वर्किंग, काम कर रही है किस पर, ऑन अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है उस पर काम कर रही है. डैट विल मेक द प्रोसेस ईजी, तो वो क्या करेगी, प्रोसेस को क्या करेगी, ईजी कर देगी. एंड इनक्रेज पीपल, और लोगों को प्रोत्साहित करेगी. टू अडॉप्ट द लाइफ सेविंग एक्सरसाइज, किस लिए प्रोत्साहित करेगी, अडॉप्ट मीन्स होता अपनाना. तो ये जिंदगी बचाने वाली जो एक्सरसाइज है, ये काम है, इसको अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. ठीक है, एंड इनक्रेज मीन्स होता प्रोत्साहित करना किसी को कुछ करने के लिए. दोज हु डोनेट देयर ऑर्गन्स, वो लोग जो अपने अंग दान करते हैं, डोनेट करते हैं. ठीक है, आफ्टर डेथ, मरने के बाद, आर गॉड लाइक, भगवान के समान है. किसको किसके लिए, टू रिसिपियंट्स. तो रिसिपियंट वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, बेनिफिशियरी. ठीक है, तो जो जिनको जो ऑर्गन्स मिलते हैं उनके लिए वो एक भगवान के समान होते हैं. ठीक है, ही सैड, उन्होंने कहा किस में, इन हिज मंथली मन की बात, जो उनकी मासिक जो मन की बात आती है. ठीक है, जो मासिक उनका ब्रॉडकास्ट होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट मन की बात, उसमें उन्होंने ये बोला. ठीक है, एडिंग डैट, और ऐड करते हुए, पीपल्स प्रिफ्रेंस फॉर इट, प्रिफ्रेंस मीन्स होता है पसंद, लोगों की जो पसंद है इसके लिए, कैन सेव, बचा सकती है, एंड मेक मैनी लाइफ्स, और कई जिंदगी बना सकती है. ठीक है, प्रिफ्रेंस मीन्स होता है पसंद. ओके, इट इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यह एक विषय है, सेटिस्फैक्शन मीन्स होता संतोष. ठीक है, यह एक संतोष का विषय है. डैट की द अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स होता जागरूकता अबाउट ऑर्गन डोनेशन. ठीक है, अंगदान करने की जागरूकता, या अंगदान करने के बारे में जो जागरूकता है, इज़ राइजिंग, बढ़ रही है इन द कंट्री, देश में. ठीक है, तो जो जागरूकता है अंगदान करने की, अंगदान करने के बारे में, वो बढ़ रही है देश में अब. ठीक है, राइज मीन्स होता बढ़ना कोई चीज़. मोदी सैड, मोदी ने कहा, नोटिंग दैट, ठीक है, नोट मीन्स होता मेंशन, जिक्र करना, जिक्र करते हुए, उल्लेख करते हुए. द कंडीशन, तो जो शर्त, एक कंडीशन होगी कोई, द कंडीशन ऑफ बीइंग अ स्टेट डोमिसाइल, तो शर्त, जो शर्तें थी बीइंग अ स्टेट डोमिसाइल, एक राज्य के डोमिसाइल होने की, किस लिए, फॉर रिसीविंग ऑर्गन्स, तो ऑर्गन प्राप्त करने के लिए स्टेट डोमिसाइल होना जरूरी होगा, वो कोई शर्त होगी. ठीक है, हैज़ बीन रिमूव्ड, उसे हटा दिया गया है. ठीक है, कि स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है ऑर्गन प्राप्त करने के लिए. अलाउ द नीडी, और जो जरूरत, नीडी मीन्स होता जरूरतमंद, अलाउ मीन्स होता अनुमति देना, और जो जरूरतमंदों को अनुमति देता है, टू रजिस्टर देमसेल्फ, खुद ही रजिस्टर करने की, एनीवेयर इन द कंट्री. ठीक है, देश में कहीं से भी. ओके, तो हम जो आज की वीडियो में, दूसरी नए चैनल में, ये बिंग का यूज़ सीखेंगे. ठीक है, यहाँ पे कई बार हुआ है. अ डिसीजन टू रिमूव द एज क्राइटेरिया, तो जो एज क्राइटेरिया था उसको हटाने का एक निर्णय. ठीक है, एज क्राइटेरिया मतलब कि एज मापदंड, आयु मापदंड.
ऑफ बीइंग लेस देन 65, जो जो क्राइटेरिया क्या था, 65 साल से कम के होने का, फॉर डोनेटिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन डोनेट करने के लिए, जो अंगदान करने के लिए 65 साल से कम का होना था, ठीक है, तो जो वो एज क्राइटेरिया था हैज़ ऑल्सो बीन टेकन, वो भी ले लिया गया है, वो भी मतलब कि वो भी वो जो क्राइटेरिया था उसे भी हटाकर उस फैसले को भी ले लिया गया है। ही एडेड, उन्होंने ये ऐड किया, ठीक है। फ्रॉम लेस देन 5,000 केसेस, 5,000 से भी कम मामलों में ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान के, इन 2013 में 5,000 से भी कम मामले थे, ठीक है, जो ऑर्गन डोनेशन के, अंगदान के, द नंबर हैज़ ग्रॉन, तो जो संख्या हैज़ ग्रॉन, बढ़ गई है, टू ओवर 15,000, 15,000 से भी ज़्यादा, इन 2022 में, ठीक है। तो मतलब 2013 में 5,000 से भी कम केसेस थे, और जो 2022 तक 15,000 ये केसेस हो गए, ठीक है, मतलब इतने बढ़ गए हैं। ही सैड, उन्होंने कहा, ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम वन डिसीज्ड पर्सन, डिसीज मीन्स होता मृतक, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन, अंगदान फ्रॉम वन डिसीज्ड पर्सन, एक मृतक आदमी से, कैन हेल्प, मदद कर सकता है, 8 to 9 persons, 8 से 9 आदमियों की, ठीक है, 9 लोगों की, ही नोटेड, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया कि जो एक मृतक से जो ऑर्गन्स मिलते हैं वो लगभग 8 से 9 लोगों की मदद कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक टू द फैमिली मेम्बर्स, तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने जो परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बात की, ऑफ दोज, उन लोगों से हुज ऑर्गन, जिनके जो ऑर्गन्स थे, जो अंग थे, वह डोनेट किए गए, दान किए गए, आफ्टर डेथ, मरने के बाद, ठीक है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर ने उन फैमिली मेम्बर से भी बात की जिनके जो फैमिली मेम्बर्स थे जिन्होंने अपने जो ऑर्गन्स डोनेट किए थे मरने के बाद, ठीक है। दिस इंक्लूडेड, इसमें शामिल है एन अमृतसर बेस्ड कपल, एक अमृतसर का रहने वाला कपल जोड़ा, हु डिसाइडेड टू डोनेट, जिन्होंने निर्णय लिया डोनेट करने का, दान करने का, द ऑर्गन्स, अंग को, ऑफ देयर डॉटर, अपने लड़की का, हु पास्ड अवे, जो ख़त्म हो गई थी, 39 days आफ्टर, 39 दिन बाद, बींग वॉर्न, ठीक है, पैदा होने के बाद, 39 दिन मतलब पैदा होने के 39 दिन बाद वो ख़त्म हो गई थी, विद अ फैटल कंडीशन, मतलब कि फैटल में से होता जानलेवा, कंडीशन में से होता है यहाँ पे बीमारी से मतलब है, तो जो जानलेवा जो बीमारी थी उसके बाद 39 दिन तक वो जिंदा रही और वो ख़त्म हो गई। तो ये कपल है, इन्होंने डिसाइड किया डोनेट करने के अपने डॉटर्स के ऑर्गन को, ठीक है। मोदी एफ्यूसिवली, एफ्यूसिवली में से होता है गर्म जोशी से, ठीक है, वार्मली, मोदी एफ्यूसिवली प्रेज द फैमिलीज, तो उन्होंने परिवार वालों की गर्मजोशी से तारीफ़ की, किस लिए, फॉर ऑप्टिंग, चुनने के लिए, टू डोनेट द ऑर्गन्स, तो जो अंग है उनको दान करने के लिए उन्होंने जो चुना है उसकी तारीफ़ की, किसके थे ये ऑर्गन्स, ऑफ देयर डिसीज मेंबर्स, जो उनके मृतक जो परिवार वाले थे उनके जो ऑर्गन्स थे डोनेट करने के लिए जो उन्होंने चुना उसको, उसकी बहुत उन्होंने तारीफ़ की, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, ग्रेट डोनर्स लाइक देम, डोनर्स मीन्स होता है जो दान करता है, ठीक है, दानी भी बोल सकते हैं, जे महान दानी लाइक देम, उनके जैसे, मेक अस अंडरस्टैंड, हमें समझाते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के महत्व को, अ लार्ज नंबर ऑफ नीडी पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोग, बड़ी मात्रा में ज़रूरतमंद लोग आर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं, किसका, फॉर एन ऑर्गन डोनर, जो ऑर्गन डोनर है, जो अंगदान करने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, इन द होप ऑफ अ हेल्दी लाइफ, किस उम्मीद में, एक स्वस्थ जिंदगी जीने की उम्मीद में, ठीक है, एक स्वस्थ जिंदगी की उम्मीद में, तो एक वो इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्गन डोनर का, ठीक है। इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी, तो मेरे लिए ये परम संतोष का विषय है, ठीक है, अटमोस्ट मिस होता परम मैच वेरी मच, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिस होता संतोष, तो मेरे लिए ये परम संतोष का विषय है, डैट की, टू मेक ऑर्गन डोनेशन ईजी, तो जो अंगदान है उसे आसान करना, एंड टू इनक्रेज इट, और इसे प्रोत्साहित करना, ये बोल रहे हैं, ठीक है। वर्क इज़ बींग डन, तो ये काम किया जा रहा है, ऑन अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर, इन द होल कंट्री, पूरे देश में, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, ठीक है। अटमोस्ट मीन्स होता है टू द ग्रेटेस्ट, मीन्स होता है कि वेरी मच,
अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ठीक है, मिस होता है बहुत ज़्यादा। जब किसी वर्ड पे हम बहुत ज़्यादा फोर्स एम्फेसाइज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोदी ऑल्सो नोटेड, मोदी ने जिक्र किया, मैंशन किया, ठीक है, डेट की द केसेस ऑफ करोना, जो केसेस हैं, जो मामले हैं करोना के, आर राइजिंग, बढ़ रहे हैं, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, एंड आस पीपल टू टेक प्रिकॉशन। टेक प्रिकॉशन मीन्स होता सावधानी बरतना, सावधानी लेना, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने के लिए बोला है, ठीक है। आस मीन्स होता किसी को निर्देश देना, पूछना या कहना, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक, इन द फील्ड ऑफ मीन्स होता के क्षेत्र में, जो साफ ऊर्जा है या क्लीन एनर्जी है उसके उसके क्षेत्र में, ही सैड, उन्होंने कहा, इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस, इंडिया की बढ़ती हुई उपस्थिति, इज़ बीइंग लाउडेड, लाउड मीन्स होता है तारीफ करना, तारीफ की जा रही है, इंडिया की बढ़ती हुई जो उपस्थिति है उसकी तारीफ की जा रही है, लाउड किया जा रहा है उसे ग्लोबली, दुनिया भर में, ठीक है, ग्लोबली मीन्स होता अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। लाउड मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, मतलब ऑफ पब्लिकली। द स्पीड विद विच इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड, तो जो गति है जिसके साथ इंडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड, जिससे जिसके साथ जो जो इंडिया है जो आगे बढ़ रहा है, मूव फॉरवर्ड मीन्स होता आगे जाना, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ, किसके क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर ऊर्जा है उसके फील्ड, उसके क्षेत्र में जिस स्पीड से, जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, इज़ अ बिग अचीवमेंट, ये एक बड़ी उपलब्धि है इन इट्सेल्फ, अपने आप में। ही सैड, उन्होंने कहा, नोटिंग दैट, यह जिक्र करते हुए, डीयू हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो जो डीयू है ये पहला ज़िला बन गया है इन इंडिया, भारत में, टू कंज्यूम ओनली क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी की खपत करने वाला, ठीक है, कंज्यूम मीन्स होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, फॉर ऑल डे टाइम नीड्स, तो पूरे दिन की जो ज़रूरतें हैं उसको यूज़ कर, उसको उसके लिए तो ये क्लीन एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये डीयू कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ओके। थ्रू सोलर पैनल्स, सोलर पैनल के माध्यम से मोर इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग जनरेटेड इन ड्यू, तो अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है उसकी, उसको उसको पैदा किया जा रहा है ड्यू में, ठीक है, जनरेट किया जा रहा है, पैदा किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़्यादा है उससे ज़्यादा उसे उसको उत्पन्न किया जा रहा है ड्यूरिंग अ डे टाइम, दिन के समय, ओके। थ्रू दिस सोलर प्रोजेक्ट, इस सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से अबाउट 52 करोड़ रुपीज़, लगभग 52 करोड़ रुपए, ठीक है, हैव ऑल्सो बीन सेव्ड, ये भी बचाए गए हैं। द इन्वायरमेंट हैज़ ऑल्सो बेनिफिटेड अलॉट, जो वातावरण है उसने भी बेनिफिट लिया है, मतलब बहुत लाभ उठाया है इससे, ठीक है। ही सैड, उन्होंने कहा, इनक्रेजिंग द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी, तो क्लीन एनर्जी का प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने ये बोला, ठीक है, इनक्रेज करते हुए। सो गाइज, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जो आज वीडियो हम वो बींग के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। ये जो बींग है, 3-4, इसके 5-6 यूजर्स हैं, मगर 1 या 2 क्लियर करेंगे हम अपनी वीडियो में। और इस जो न्यूज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ लीजिए इस न्यूज़ को एक बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।